हेलो एवरी वन टुडे वी विल स्टार्ट विथ ए आर देसाई हिज फुल नेम वॉज अक्षय रमन लाल देसाई एंड ही वॉज बॉर्न ऑन सिक्सटीन ऑफ अप्रैल नाइनटीन फिफ्टीन इन गुजरात ठीक है एंड ही डाइड ऑन नवम्बर ट्वेल्व नाइन्टीन नाइन्टी फोर मूविंग टूअर्ड्स प्रोफेशनल लाइफ ही डिड हिज पी एच डी अंडर जी एस घोरे फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ठीक है जी एस घूरे के अंडर उन्होंने अपनी पी एच डी कम्प्लीट करी थी और बाद में ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही जो है पढ़ाने लगे एंड लेटर ऑन ही बिकेम द हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो गए थे अगर हम ए आर देसाई की मेथडोलॉजी की बात करें तो इन्होंने हमेशा डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के एडवोकेट रहे हैं और इसी मेथड्स को अप्लाई करा है इन्होंने अपनी सारी स्टडीज़ में ठीक है डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की अगर हम बात करें डायलेक्टिक्स मतलब कि द्वंद है ना दो चीज़ों में लड़ाई ठीक है जैसे मार्क्स ने कहा है कि एक ग्रुप होता है हैव्स हैव्स नॉट उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है देर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सो दिस इज वॉट द मेथड ए आर दिसाई हैज अप्लाइड इन हिज सोशोलॉजिकल स्टडीज बिकॉज ए आर द ही वॉज ऑल्सो इंफ्लूएंस बाय द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स ठीक है इनके वर्क से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे देन ए आर दिसाई कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द पानियर्स इन इंट्रोड्यूसिंग द मॉडर्न मार्क्सिस्ट अप्रोच ट्रू द इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग फील्ड रिसर्च ठीक है इन्होंने इन सब चीज़ों पर काफ़ी फोकस किया था देन वॉट हैपन ए आर देसाई ऑल्सो रिजेक्टेड द यूनिकनेस ऑफ द इंडियन कल्चर ए आर देसाई जो है कहते हैं कि इंडियन कल्चर में कुछ भी यूनिक नहीं है जैसे पूरे दुनिया के कल्चर से वैसे ही इंडियन कल्चर भी है कोई ख़ास बात नहीं है इंडियन कल्चर में देन he considers that emerging contradiction in the indian process of social transformation arises mainly from the growing nexus among the capitalist bourgeoisie, the rural petty bourgeoisie, and state apparatus he says ki jo bourgeois hain theek hai jo कुल मिला के अगर हम कहें तो जो गरीब और अमीर की लड़ाई है दैट इज यही जो है social transformation का तरीका है इंडियन सोसाइटी में भी ठीक then Uh, works of Desai. These are uh, the famous books that have been written by A.R. Desai. Let's have a look at them. Social background of Indian nationalism, rural sociology in India, slums and urbanization of India, state and society in India, peasant struggle in India, rural India in transition, and India's path of development. These are the few books that are written by A.R. Desai in his lifetime. Then Uh, जो एआर uh, पिसाई हैं उन्होंने ऑन द बर्थ ऑफ कास्ट ठीक है उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं कुछ कुछ uh, कुछ बातें कही हैं उन्होंने ठीक है सो फर्स्ट टॉपिक इज ऑन द बर्थ ऑफ कास्ट ठीक है कास्ट का बर्थ कैसे हुआ इस पर इनके क्या आइडियाज हैं आर के लेट्स सी आर्यन इन्वेडेड इंडिया एंड डिस्ट्रॉयड द प्रोम मोड ऑफ प्रोडक्शन वॉट हैपन्स जो आर्यन थे इन्होंने इंडिया को इन्वेड करा ठीक है इंडिया पर आक्रमण किया और जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे जो यहाँ के uh, प्रॉपर जो यहाँ इंडियंस थे उनका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने ठीक है देन वॉट हैपेंड जो इंडिजिनस पीपल थे मतलब जो लोकल पीपल थे इंडिया के दे वर आस्ट टू लिव इन अ सेपरेट रेजिडेंस ये कहा गया कि आर्यस लोगों ने ये कहा इंडियंस से कि आप लोग हमसे दूर रहो ठीक है क्यों क्योंकि आर्यन अपने आप को सुपीरियर कास्ट मानते थे ये मानते थे कि हम कास्ट वाइज इंडियन से काफ़ी ऊपर हैं ठीक है आर्य थॉट थाट दम सेल्व एज सुपीरियर कास्ट एंड कॉल दैम सेल्व एज ब्राह्मण्स ठीक है उन्होंने कहा कि हम सुपीरियर कास्ट हैं और उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कह लिया ठीक है कि हम ब्राह्मण हैं देन इट इज caste system कास्ट सिस्टम बिगिनस इन इंडिया एयर दिसाई कहते हैं कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम की शुरुआत होती है ठीक है फिर ब्राह्मण इन लोगों ने अपने आप को तो ब्राह्मण डिक्लेयर कर लिया फिर बाद में क्या किया इन्होंने जो है सारी कास्ट का ऑक्यूपेशन रिजिडिफाई कर दिया कि अगर आप ए कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आप ये काम करेंगे बी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो ये काम करेंगे ठीक है दिस इज़ हाउ दे डिवाइडेड द सोसाइटी और इसको कैसे उन्होंने बैकअप किया थ्रू टेक्स्ट बहुत सारे उन्होंने टेक्स्ट लिखे जैसे कि हम एग्जाम्पल में ऋग्वेद ले सकते हैं ऋग्वेद जिसमें यह कहा जाता है कि ब्राह्मि जो है वो भगवान के हेड से निकले हैं जो क्षत्रियज हैं दे आर फ्रॉम द शोल्डर्स वैश्यास जो हैं वो लेग्स से आए हैं शूद्रास फ्रॉम द फीट ऑफ द गॉड ठीक है तो उनका ये कहना था कि हम जो है भगवान के सर से निकले हैं इसलिए हम सबसे टॉप पे लाई करेंगे एंड शूद्रास जो कि वो फीट से निकले हैं भगवान के तो दे वुड लाई एट द बॉटम ऑफ द हैर ठीक है दिस वॉज हाउ कास्ट सिस्टम बिगेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ए आर देसाई मूविंग ऑन ही ऑल्सो गिव सर्टन आइडियाज़ अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ठीक है जो 1857 का रिवॉल्ट था उसके बारे में ए आर डिसाई जैसे अगर हम नॉर्मल हिस्टोरियंस या जो थिंकर्स उनकी बात करें तो सब लोग ये मानते हैं कि इंडियंस में नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा आई थी इसलिए रिवॉल्ट हुआ था ठीक है बट ए आर डिसाइज को निगेट करते हैं कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि बहुत नेशनलिस्ट की फीलिंग आई थी इंडियंस में ऐसा कुछ नहीं था इट वॉज़ जस्ट द क्लैश बिटवीन द राइजिंग capitalism एंड declining फ्यूडलिज्म क्या हो रहा था जब ब्रिटिशर्स आए तो वो इंडस्ट्रीज ले करके आए ठीक है उन्होंने इंडिया के हर सोशल आस्पेक्ट में इंटरफियर किया ठीक है उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड्स बना दिए अपने जमींदार बना दिए तो जो पहले के लोग थे जो अमीर थे कहीं ना कहीं उनसे उनका राइट्स उनका हर चीज़ छिन रहा था ठीक है तो जो लोग पहले अमीर हुआ करते थे वो सारे गरीबों के साथ मिल करके उन लोगों ने ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया एक तरीके से हम कह सकते हैं सो एयर आर सेज कि जो है सिर्फ एक कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म की लड़ाई थी और कुछ भी नहीं था रे ऑफ फिफ्टी एटीन कोई नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं जाएगी थी किसी के अंदर ठीक है देन जो एयर आर देसाई थे वो बुद्धिज्म और जानिज्म के बारे में आइडियाज देते हैं वॉट हैपन्स जो बाकी स्कॉलर्स हैं बाकी स्कॉलर्स या फिर जो थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि बुद्धिज्म एंड जानिज्म देवर एंटी ब्राह्मिकल मूवमेंट ये जो है जो एक्सेसिव ब्राह्मणवाद था उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था ठीक है उसमें उस से बुद्धिज़्म और जैनिज्म इमर्ज हो गया है लेकिन देसाई कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म दे ऑफर्ड सम स्पेस फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डोमिनेंट कल्चर एंड लुक लुक फॉर पेट्रनाइजिंग दैम फ्रॉम रूलिंग क्लास मेकिंग हिंदुज्म स्ट्रॉन्गर एंड सीइंग बुद्धा एज वन ऑफ द अवतार्स ठीक है क्या हुआ अल्टीमेटली जो बुद्धा थे उनको भी भगवान का अवतार मार के हिंदुइज़्म को और स्ट्रोंग कर दिया गया ठीक है दैन मूविंग ऑन टू द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया नेशनलिज्म ठीक है ये इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरीज या उनके आइडियाज में आते हैं ठीक है देसाई अपलाइड मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी द नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो देसाई थे इन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच का यूज़ किया नैशनिज्म को स्टडी करने के लिए ठीक है ही स्पेल्स हिस्टोरिकल मटेरियल एंड अपलाइज इट टू द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स रूरल एंड अर्बन कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर सोशल मोबिलिटी एजुकेशन और अदर एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने हर एस्पेक्ट जो भी इन्होंने स्टडी करी उस पर हिस्टोरिकल मटेरियज्म का ही अप्लाई करा उन्होंने कहा कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है इट्स जस्ट द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हैवस एंड हैव्स नॉट ठीक है सिर्फ दो जो गरीब है और अमीर है उनमें लड़ाई की वजह से ही हर चीज़ हो रहा है देर इज़ नो अदर रीजन ठीक है दो द साइज बुक वॉज पब्लिश इन 1948 इट बिकेम मोर पॉपुलर इन द सिक्सटीज ठीक है बाद में ये पॉपुलर हुई इनकी बुक द साइज़ फुल लेंथ वर्क सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वॉज ट्रेंड सेटर नॉट ओनली फॉर द मार्क्सिस्ट अकेडमिक ओरिएंटेशन बट ऑल्सो फॉर द वे इट क्रॉस फर्टिलाइज सोशलॉजी एंड हिस्ट्री इनकी ये बुक जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है वो इसलिए भी फेमस हुई थी क्योंकि इन्होंने सोशोलॉजी और हिस्ट्री दोनों का एक साथ यूज़ किया था ठीक है

वो जो मटेरियल कंडीशन ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी थी उसकी वजह से हुआ था द ब्रिटिश डेवलप न्यू इकोनॉमिक रिलेशन बाई इंट्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप इज प्री डोमिनेंटली स्टेबिलाइजिंग फैक्टर इन द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच वुड अंडर गो चेंजेस एज द रिलेशन वुड चेंज ठीक है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफी सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा ठीक कर है इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ये हर चीज लेकर के आए ठीक है तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था ये सब चेंज हो गया इस वजह से काफी सारे क्लैशेज हुए बिटवीन द रिच एंड द पोअर दट इज हैवस एंड हैवस नॉट दिसाई थिंक्स दैट वन द ट्रेडिशन आर लिंक्ड विथ इकोनॉमिक रिलेशन द चेंज इन लेटर विल चेंज द ट्रेडिशन ही थिंक्स दैट कास्ट विल डिसइंटीग्रेट विद द क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल एंड मटेरियल कंडीशन सच इज इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन देसाई का यह मानना था कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ट्रेडिशन भी चेंज हो जाएगा जैसे इन्होंने ये कहा कि अगर कुछ मटेरियल चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्रीज़ एजुकेशन ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो कास्ट सिस्टम डिसअपियर हो जाएगा जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो हो सकता है कि आप ब्राह्मण हो आपके बगल में बच्चा जो बैठा हुआ हो किसी और कास्ट का हो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या किसी इंडस्ट्री में कहीं और काम कर रहे हैं तो कई सारे कास्ट के लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे एंड यू हैव टू वर्क विद देम तो वहाँ पे आप कास्ट का बहुत ध्यान नहीं रख पाएंगे ठीक है

प्रॉपर्टीड क्लास एंड सप्रेसिंग द स्ट्रगल्स ऑफ द एक्सप्लॉयटेड क्लास उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट उभर के आया वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम करता है सिर्फ जो प्रॉपर्टीड क्लास है मतलब जो अमीर लोग हैं उनको बचाता है हर तरीके से और जो एक्सप्लॉयटेड क्लास हैं जो गरीब लोग हैं जो हर तरीके से जिनका उत्पीड़न किया गया है उनको और दबाता है उनको सप्रेस करने की कोशिश करता है ठीक है देन वी हैव सर्टन क्रिटिसिजम्स ऑफ एयर देसाई हाई वॉट हैपन्स लेट सी एस सी दूबे ही कंसिडर हिज अप्रोच हेज़ एस्टीरियोटिपिकल ठीक है इन हज़ बुक कम्युनिटी डेवलपमेंट एस सी दुबे है शोन दैट हाउ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ ट्रांसफॉर्म द एग्रेरियन इकोनॉमी जैसे ए आर देसाई हमेशा ये कहते रहते हैं कि नहीं सिर्फ लड़ाई की ही बातें करते रहते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच की ही बातें करते रहते हैं बट ही सेट एस सी दुबे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है गाँव में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है ठीक है देन योगेंद्र सिंह क्रिटिसाइज द थ्योरी बाय सेइंग दैट मार्क्सियन थ्योरी नेवर लुक्स फॉर अल्टरनेटिव सोशल चेंज एक्सेप्ट रेवोल्यूशन योगेंद्र सिंह ये करते है, कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो कभी भी चेंज का कोई और तरीका जानते ही नहीं वो सिर्फ ये मानते हैं कि सोशल चेंज सिर्फ रेवोल्यूशन से आएगा और किसी चीज़ से नहीं आ सकता uh, है ठीक है गेल ओमवेट सेज दैट इंडिया कैन नॉट बी क्लासिफाइड इंटू टू एक्सट्रीम क्लासेज ऑफ हैव्स एंड हैव्स नॉट जो गेल ओमवेट हैं ये कहते हैं कि इंडिया को कभी भी आप हैव्स और हैव नॉर्थ्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं वाई बिकॉज इंडिया में सिर्फ दो क्लास नहीं एग्जिस्ट करता है अमीर और गरीब ऐसा नहीं है इंडिया में अलग अलग कास्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं है ना सो इट्स नॉट दैट कुछ लोग मिडिल में भी लाइक कर रहे हैं है ना तो यू कैन नॉट पोलराइज देम कि हैव्स और हैव नॉर्ट्स में दो जगह पोलराइज कर दें इंडियन सोसाइटी में दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट पॉसिबल सो दीज वर द क्रिटिसिजम्स ऑफ एयर दिस आई थैंक यू एवरी वन इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं दैन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू